Hello everyone, how are you all? Hello ma'am, we are fine ma'am. What about you? Hello ma'am, we are fine ma'am. What about you ma'am? In this session, we are going to discuss exercises from chapter number 3 in each subject. Chalo bhai tere beta book sabhi log. Type of agriculture ki jo exercises ko complete karenge pehle. सबको मिला बेटा बुक? यस मैम। यस मैम। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की जो एक्सरसाइज थी उसको हमने कंप्लीट किया था, हो गया था बेटा ये कंप्लीट? मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की जो एक्सरसाइज थी, यस थ्री क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो गए थे हम लोग को। इसको कंप्लीट करना आज, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की जो एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे और भी जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर ओपन कर लीजिए 29। क्या पूछ रहे बेटा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे आपको छोटा सा नोट लिखना है, उसके बारे में आपको कुछ टॉपिक लिखने हैं कि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होते हैं क्या क्या होते हैं, क्या बता सकते हैं कोई इसमें? व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर? चलिए सलोनी बेटा बताइए। मैम, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अ सिंगल क्रॉप इज कल्टीवेट ऑन अ लार्ज एरिया। द क्रॉप आर कल्टीवेटेड मेनली फॉर सेलिंग इन द मार्केट। Tea and coffee are example of plantation crop. In this type of agriculture, the plantation agriculture होते हैं, आप यहाँ से start करना लिखना। In this type of agriculture, a single crop is cultivated on a large area. ठीक है, जो आप plantation agriculture के बारे में write करेंगे answer, in this type of agriculture, a single crop is cultivated on a large area. The crops are cultivated mainly for selling in the market. बस इतना आप नोट कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। क्यों शॉर्ट नोट कहा गया लिखने के? आप शॉर्ट नोट बस यहाँ से लेके यहाँ तक गाइड कर देंगे। In this type of agriculture, a single crop is cultivated on a large area. The crops are cultivated mainly for selling in the market. सबको आया समझ में? Yes, ma'am. चलो उसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। टिक कर लो, बाद में नोट कर लेना। चलो बुक में टिक कर लेंगे, पहले का आंसर बाद में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सबको आया समझ में? यस मैम। यस मैम। वीडियो ऑन करिए आदेश, बेटा वीडियो ऑन करिए आदेश। चलिए आगे देखते हैं बेटा, नंबर टू। नंबर टू बेटा, हरिया प्रैक्टिस सब्सटेंस एग्रीकल्चर। जो हरिया नाम का एक फार्मर है जो कि कौन सी खेती करता है? सब्सटेंस एग्रीकल्चर, मीन्स जीवन निर्वाह जो खेती है उसको करता है। एंड महेंद्र, महेंद्र कौन सी खेती करता है? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, वह व्यापारिक कृषि करता है। ठीक है, हरिया जो है वह जीवन निर्वाह कृषि करता है, मीन्स सब्सटेंस कृषि करता है, लेकिन जो महेंद्र है वह कौन सी खेती करता है? कॉमर्शियल, मीन्स व्यापारिक खेती कर रहा है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वहां पे आपको दो डिफरेंस लिखने हैं, दोनों के खेती के बीच में डिफरेंस क्या होंगे बताइए? जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो खेती करने की, उन दोनों की जो प्रैक्टिस है खेती करने का, उनमें डिफरेंस क्या होगा दोनों की खेती में? चलिए बोलिए बेटा अंकुर। दोनों खेती के बीच आपको डिफरेंस इतना है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है एंड सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? तो आपको दोनों में डिफरेंस लिख देना है, कितना इजी है। तो आप लोग नोटबुक में पहले हेड
कॉलम बनाओगे, एक साइड में लिखोगे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, एक में लिखेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, एक में लिखेंगे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। सबको आया समझ में क्या लिखना है? जैसे आप नोट कर रहे हैं, मिनट बेटा बातें मत करो, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, माइक बंद करिए। मैम राइट करना है, हाँ नोट करिए। यहाँ पे लिखेंगे कॉमर्शियल, नोट कर लीजिए। एक साइड में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ऐड करेंगे, एक साइड में लिखेंगे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? मैम आ रहा है। मैम ये फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है? नहीं बेटा, सेकंड का आंसर है। यहाँ पे स्पेसेस से यहाँ पे हम लिख के दिखा रहे हैं कैसे लिखना है। सेकंड का आंसर है, फर्स्ट का नहीं सर। फर्स्ट का तो हो गया, सेकंड का आंसर है। कितना हो गया? अब यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे ऐसे, इसको लाइन कर देंगे, हेडिंग डालना ना, इसको यहाँ से ऐसे लाइन कर देंगे, ऐसे यहाँ पे बीच में लाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर वन राइट करेंगे, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में नंबर वन डैश। अभी कौन सी खेती होती है? क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड। इधर आप नोट कर सकते हैं बुक में देख के, क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड। Cultivated for the family. ये family के लिए cultivates उपजाए जाते हैं, इसकी खेती होती है family के लिए। The family and are not sold in the market. Sold in the मार्केट, ओके। क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड, जहाँ जो क्रॉप्स होते हैं, इसे क्रॉप्स कल्टीवेटेड किए जाते हैं फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए। आर एंड आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट, और ये मार्केट में बेचे नहीं जाते हैं, थोड़े से होते हैं इसलिए मार्केट में इनको बेचे नहीं जाते हैं, सोल्ड इन द मार्केट। अभी जो कॉमर्शियल के कच्चे होते हैं, क्या होता है बेटा? ये इसकी खेती बड़ी खेती होती है। क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड फॉर ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज लार्ज स्केल, मुझे लंबी जगह पे खेती होती है, बड़ी सी जगह पे। तो क्या करने के बेटा? सोल्ड कर बेचने के लिए, टू बी सोल्ड इन द मार्केट, सोल्ड इन द मार्केट। तो
cultivated on a large scale to be sold in the market. सबको ऐसे समझ में क्या लिखना है? Yes, ma'am. कितने कितने लिखते हैं? टू लिखना है केवल. चलिए एक और लिख देते हैं. And vegetable. Vegetables are cultivated. Cultivated, note कर लीजिए. Cultivate. Rice, barley, wheat, and vegetables are cultivated. इसमें इसमें आपका क्या होगा बेटा? नंबर टू राइस मेज मेज एंड सुगर केन. सुगर केन आर कल्टीवेट. सबको दिख रहा है कि नहीं बेटा? राय सभी को करना है क्योंकि बाद में नहीं राइट करवाया जाएगा, इसे सभी को देख के राइट कर लेना है. आज आप ज्वाइन कर रहे हैं इतनी देर से. अनन्या बेटा राइट कर लिया आपने? यस मैम. सलोनी, खुशी, सचिन, शिवा, दिव्यांशी, सलोनी चौहान बेटा आप डेली ज्वाइन करती रहिए, आपका वीडियो डेली ऑफ ही रहता है. सलोनी चौहान बेटा वीडियो ऑन करिए. दिव्या बेटा आपने राइट कर लिया? No, ma'am. Ankit? Sachin, Siva, did you write or not? Ma'am, write. Do you have to write both of them? Okay? Not that you have to send one or two. You have to write both of them in your handwriting. I didn't say to write. चलिए रेस करते हैं, आगे देखते हैं. जिसका नहीं हुआ होगा इसके शॉर्ट लेंगे, बाद में नोट कर लेंगे. ठीक है, जब ग्रुप में भी कोई सेंड कर देगा राइट करने के बाद तो आप देख के नोट कर लेना. जिसका भी नहीं हुआ होगा छूटा होगा, अनन्या भी सेंड कर देंगे तो आप देख के नोट कर लेंगे. फिर ना ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है, खाली जगह उसको फिल करना है. In agriculture, a single crop is cultivated on a large area. कौन से agriculture में एक single crop जो है कि खेती होती है एक लंबी सी जगह में, उसको कौन सी खेती बोलते हैं बेटा बताइए? बोलिए मैम. जम कल्टीवेशन.
कौन सा बेटा? मैम कमरिकल एग्रीकल्चर प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, लंबी सी जगह होती है, एरिया होता है, वहां पे दूर तक एक ही फसल बोई जाती है। जैसे चाय की खेती करनी हुई टी की, तो वहां दूर तक जो है केवल चाय की खेती होती है, कॉफी की करना हुआ तो कॉफी की होती है, ऐसे। ठीक है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होते हैं इस लंबी जगह में एक ही क्रॉप उगाए जाते हैं। सबको समझ आया बेटा? यस मैम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लांटेशन लिखेंगे, नोट कर लो प्लांटेशन। प्लांटेशन नोट करिए यहाँ पे। मैं नोट किए। Have you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shifting agriculture is also known as cultivation. Shifting agriculture को और हम किस नाम से जानते हैं? चलिए बताइए बेटा, जो shifting agriculture होते हैं, जो कि वनों को काट के जहाँ पे खेती होती है, उस खेती को और क्या कहते हैं बेटा? मैम झूम कल्टीवेशन। मैम झूम कल्टीवेशन। मैम झूम कल्टीवेटर। इन एग्रीकल्चर आफ्टर द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, कौन से एग्रीकल्चर में फसल को काटने के बाद द लैंड इज एब्डोन टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो भूमि होती है वह प्राकृतिक रूप से उसका विकास करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसे कौन से एग्रीकल्चर होती है? वहां पे खेती करके फसल काट लिया गया फिर कई दिनों शिफ्टिंग। मैम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मैम शिफ्टिंग। मैम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। Then, in agriculture, farmers also rear livestock. ऐसे कौन से एग्रीकल्चर जिसमें फार्मर जो किसान होते हैं पशुपालन भी करते हैं, खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं? मैम मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मैम मिक्स्ड एग्रीकल्चर। यस बेटा, मिश्रित खेती। आपका टॉपिक था नंबर थर्ड टॉपिक था टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब टाइप ऑफ क्रॉप्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर राइट करेंगे। ठीक है, चलिए राइट करते हैं। ये बहुत कंप्लीट करना है, बुक बी में कंप्लीट करना है, उसके बाद से जाके चैप्टर फोर स्टार्ट होगा, और क्लासों में चैप्टर फोर स्टार्ट कर दिए हैं ईवीएस में, आप लोगों का पीछे है। Right to use uses of sugar cane and cotton plants. आपको दो use लिखते हैं, sugar cane के दो use and cotton plants के दो use लिखने हैं। चलिए बताइए हमें sugar cane का क्या use होता है? Ma'am sugar cane का sugar cane का use sugar बनती है। Ma'am चीनी बनाने में होता है। हो गया, इतने किसी का समझ में आया नहीं मुझे आप क्या बोल रहे हो, इसका मतलब आप लोग एक साथ मत बोला करो, एक एक लोग बोला करो। ठीक है, चलिए अंकित आप बताइए। मैम शुगर कैन का। हाँ, शुगर कैन का यूज किस लिए होता है? शुगर शुगर एंड जेरी। शुगर एंड जेरी। जेरी मींस हम जेरी मींस गुड़। चलिए बेटा आराध्या आप बताइए, शुगर कैन का यूज किस लिए होता है? मैम शुगर और जैगरी बनाने के लिए। केन हाँ,
इज यूज फॉर मेकिंग used for making sugar. क्या बेटा? मैम हम लोग sugar कैन का जूस भी पिया जाता है. मैम sugar कैन का जूस भी पिया जाता है. हाँ ठीक है ठीक है. Making sugar and jaggery. इसे नोट कर लेंगे और नीचे लाइन में लिखेंगे. और भी कह सकते हैं sugar cane juice is help for healthy drink. इसको पीने के यूज के काम भी लाते हैं. इसको पीते भी हम लोग कह सकते हैं. कॉटन का यूज होता है. यूज फॉर कॉटन. मैम कपड़े बनाने में और रजाई बनाने में. Used for cotton. Cotton plant is used for cotton. Cotton के लिए use करते हैं. Cotton से हम कपड़े भी बनाते हैं. उसको रजाई में भी डालते हैं. कई सारी चीजें cotton की बनती हैं. तो आप note कर लीजिए. Cotton plant is used for cotton. Cotton के रूप में इसका use किया जाता है. मैम pillow भी बनता है. हाँ तो cotton लिख दिया हमने. उससे कई सारी चीजें बनती है cotton से. पिलो भी डालते हैं उसको हम. कपड़े भी बनता है. तो आप क्या लिख दीजिए यहाँ पे. कॉटन प्लांट इज यूज फॉर कॉटन. राइट वन डिफरेंस बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप. फूड एंड कैश क्रॉप के बीच में आपको एक डिफरेंस राइट करना. मीन्स एक अंतर लिखना है कि फूड क्रॉप्स कैसे क्रॉप्स होते हैं और कैश क्रॉप कैसे क्रॉप्स होते हैं. इसका राइट करवा देते हैं थोड़ा सा और बेटा. कॉटन प्लांट यूज फॉर कॉटन या फिर कॉटन फाइबर आर यूज. मैम कॉटन फाइबर फाइबर कॉटन fibers are used to make used to make cloth. cotton seed. अच्छा cotton का seed होता बेटा. कॉटन में बीज भी होता है. सीड भी होता है. ठीक है तो उसका बीज होता है. yes, यूज करते हैं तेल बनाने के लिए. ठीक है कॉटन सीड उसके सीड का तेल बनता है. ठीक है सीड्स आर यूज फॉर मेकिंग ऑयल. sugar cane is used for making sugar and jaggery. cotton plants used for cotton. cotton fibers are used to make cloth. cotton seed are used for making oil. have you done? yes ma'am. yes ma'am. राइट वन डिफरेंस बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप. फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप के बीच में आपको एक डिफरेंस सीखना है. चलिए यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं हम. आप वो बताएंगे पहले कि डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में. पहले लिखेंगे मैम फूड क्रॉप्स
मैम फ्रूट क्रॉप्स हम खा सकते हैं पर कैश क्रॉप नहीं खा सकते, नहीं खा सकते हैं क्योंकि उसको खाते नहीं है जो कैश क्रॉप होता है। बोलिए, इटेबल भी होता है नॉन इटेबल भी होता है। शुगर कैन आपका कैश क्रॉप होता है क्या? शुगर कैन खाते नहीं है हम सभी, खाते भी हैं, उसका यूज भी करते हैं। इसका मीन्स ये होता है केवल जो फूड क्रॉप केवल खाने के लिए इसकी खेती होती है, लेकिन जो कैश क्रॉप होते हैं उसको सेल भी करते हैं, उसको बेचते भी हैं, पैसे कमाने के लिए भी उसकी खेती करते हैं। ठीक है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। क्या खाना बचा था? इस्टेबल डाइट होते हैं। स्टेबल डाइट आपका रीजनल पॉपुलेशन and are grown 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 in rice, wheat and white wheat and maize. Are some example of food crops. Examples of jumpers are food crops. Program is complete. No, ma'am. No, ma'am. कैश क्रॉप डालेंगे हेडिंग, कैश क्रॉप के बारे में देखिए बुक में लिखा, आप देख के नोट कर लेंगे। अब डालेंगे हेडिंग कैश क्रॉप, नीचे डालेंगे। ठीक है, हम एक पे नोट कर देंगे कि आप नीचे डालेंगे।
रॉन्ग लिखा बेटा ये स्क्रीन रॉन्ग होगा सही कर लीजिए सी ए एस एच पैस क्रॉप बीज क्रॉप can be edible edible और नॉन एडेबल या खाने योग्य भी हो सकते हैं और ना खाने योग्य भी होते हैं some of these crops of these crops are used as raw materials materials for industries industries they are grown they are grown to be sold सूरज अब ज्वाइन कर रहे हैं ना राइट सभी को करना है ठीक है सब राइट कर रहे हो कि नहीं राइट कर रहे हो नहीं हम इतना बड़ा सा राइट करते जा रहे हैं आप लोग बैठे हो क्यों कहानी देख रहे हो राइट सभी को करना है ठीक है ग्रोन टू बी सोल इन द मार्केट एग्जाम्पल नोट कर लीजिए सुगर केन आवाज आ रही है कॉटन कॉटन टी कॉफी आवाज आ रही है आर सम एग्जांपल्स ऑफ कैश क्रॉप हाय बुडन No, ma'am. बुक में देखिए टिक कर लीजिए बुक में आप सब लोग मिल जाएगा बुक में सभी को यस मैम ए भाई इतनी शॉर्ट में लीजिए तो बुक में टिक कर लीजिए बाद में नोट करना क्योंकि टाइम नहीं है बस अभी एक इसको एक और कंप्लीट करना है मैम इसको शॉर्ट ले लिया है हाँ ठीक है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है सही स्टेटमेंट को सही करना है केरला एंड कर्नाटका प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्पाइसेस मसाले कहाँ पे ज्यादा होते हैं बेटा केरला में एंड कर्नाटक में क्या सही होगा बेटा यहाँ पे टिक करना है लिखना नहीं है क्यों सही को टिक कर इतना टी स्लो
इन बेटा आवाज आ रही सभी को ना? यस मैम यस मैम ओके सी ग्रोन इन द नीलगिरीज इन तमिलनाडु क्या सही होगा बेटा जो चाय होती है तमिलनाडु में नीलगिरीज होती है यस यस बेप्टिक फूड क्रॉप्स जो मसाले होते हैं फूड क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं मैम क्रॉस वी गेट बैटरी फ्रॉम सुगर केन मैम टिक मैम टिक बाद में कंप्लीट करें क्योंकि हो नहीं पाएगा टाइम ओवर हो गया क्योंकि बचा हुआ yes, हो नहीं पाएगा जो बचा हुआ उसको बाद में कंप्लीट करवाएंगे ठीक है yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी बुक ए में थ्री क्वेश्चन बचे हुए हैं बाकी बुक बी में कंप्लीट करेंगे जितना आज करवाया गया सभी लोग कंप्लीट करके सेंड कर देंगे ओके यस मैम सूरज आवाज जा रही है ओके मैम यस मैम यस मैम यस मैम ओके गुड बाय स्टूडेंट्स मैम गुड बाय गुड बाय